जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग रूप पे। मणिबंध की रेखाओं पर तिल। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में मणिबंध की रेखाओं पर यानी कि करतल में तिल की उपस्थिति होती है तो ये सौभाग्य कारक है। ये व्यक्ति के सौभाग्य को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करती है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, किसी भी परिस्थिति में रुकता नहीं, जीवन इसे आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करती है। पुरातन काल में कई सारे लोग इसे और कई सारे प्रबुद्ध जन इसे सम्राट योग के रूप में भी मानते थे कि जब भी ऐसी उपस्थिति आती है तो सम्राट योग का भी निर्माण होता है। लेकिन परिस्थितियाँ हमेशा बदलती होती हैं और आज के डेट में जो इन रेखाओं की परिस्थिति है उनमें काफ़ी क्षरण हो चुका है और जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको अवस्थित दिखती है उस समय देश काल के अनुसार उसकी जो विवेचना है और उसका जो प्रभाव है अलग अलग तरीके से आपके जीवन की तरफ बढ़ने का कार्य करता है। इसके अलावा जो आपकी सती रेखाएं होती हैं, महीन रेखाएं होती हैं, इन सब का भी प्रभाव उसी तरीके से जब आप विवेचना करेंगे तो आपको पता चलेगी कि किस हद तक ये फलदायी है या किस हद तक आपके लिए नुकसान का कारण बन रही है। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही है ये 100% इसे आप नहीं कर सकते, लेकिन 40% एक्टिव रूप में है और ऐसी परिस्थिति में ये जातक के लिए कुछ बेहतरी का कार्य कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा जब हम मणिबंध की रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो जो प्रथम रेखा की स्थिति है शुरुआत से काफ़ी सुचारू ढंग से आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन मध्य में जाते जाते एक कई सारे छोटे छोटे यव रेखाओं यानी कि जंजीराकार रेखाओं के साथ संबंध बनाते हुए ये अपने गंतव्य तक पहुंची है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है जीवन के उत्तरार्ध में और जीवन के कुछ खास कार्यों में व्यक्ति के लिए कुछ बाधा की उपस्थिति होती है और बाधा उत्पन्न होने के कारण जो सतत विकास की प्रक्रिया है वो बाधित होती चली जाती है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जीवन रेखा और भाग्य रेखा के सहयोग से यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह का भी निर्माण यहाँ पर हो पाया है और वो भी दोहरी अवस्था में यानी कि दो मुखी मत्स्य चिन्ह का निर्माण यहाँ पर हो पाने में सक्षम हो पाया है। ऐसी परिस्थिति जातक के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है, जातक के सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करती है और विभिन्न परिस्थितियों में भी जातक को रुकने नहीं देती है। लेकिन क्या ये पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है? अगर इसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनकी जो 100% योग्यता के साथ जो इन्हें काम करना चाहिए, पावर के साथ काम करना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शुक्र का यह क्षेत्र कहीं ना कहीं इनके बल को एक तरीके से चूसने का कार्य कर रहा है, खींचने का कार्य कर रहा है, कमजोर करने का कार्य कर रहा है क्योंकि शुक्र का यह क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोर होता चला गया है। आखिर ये कमजोर क्यों हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर भी एक तिल है, इसकी उपस्थिति को भी आपको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। जब भी इस तिल की उपस्थिति इस क्षेत्र में अंगूठे के बिल्कुल करीब के क्षेत्र में होती है, जातक स्त्रियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धावान होता है, श्रद्धा रखने वाला होता है। किसी के सामने भी किसी प्रकार से मुखर विरोध की स्थिति इनके जीवन में नहीं आ पाती। माता हो, पत्नी हो, बहन हो या कोई भी स्त्री हो, उनके प्रति पर्याप्त श्रद्धा इनके मन में स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो ऊपर के क्षेत्र में आप जाएंगे तो मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है वो भी बिल्कुल चंद्र के इस क्षेत्र में आ गई है जहाँ पर एक क्रॉस की स्थिति है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जो है काफ़ी ज़्यादा, स्त्रियों के प्रति श्रद्धा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर करुणा और प्रेम की उपस्थिति भी बढ़ती है। हालाँकि इस मामले में जातक को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, माता के स्वास्थ्य के प्रति, पत्नी के स्वास्थ्य के। इसके अलावा जल भय की स्थिति भी जातक के जीवन में यहाँ पर बनती चली जाती है। हालांकि ऐसे लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों की स्थिति नहीं होती, किसी भी प्रकार के ऐसे संक्रामक रोग और कुछ बड़े रोग जैसे कि एड्स, कैंसर वगैरह ऐसे जानलेवा रोग से ये लोग बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और जीवन के किसी भी परिस्थिति में इन्हें उन रोगों से दो चार नहीं होना पड़ता। इसके अलावा जब आप इस क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार से इसका बल क्षरण हो रहा है, इसका रीजन है, जब आप जीवन रेखा की इस स्थिति को देखेंगे तो कि यह स्पष्ट तौर पे शुक्र के इस तले तक चलती चली गई है, लेकिन भाग्य रेखा जब अपने दूसरे पड़ाव में पहुंची है तो बिल्कुल अलग से इसने रेखा का निर्माण किया है। यह स्थिति बताती है कि जातक को जन्म के समय से ही जहां पर जातक का जन्म हुआ है एक अच्छे कुल खानदान में अच्छे संस्कारों के बीच जातक का लालन पालन हुआ है, मूल्यों वाली फैमिली है, संस्कारी फैमिली है, वसूलों वाली फैमिली है। अगर आप अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर जातक अगर चलता है तो जातक को यहाँ पर फायदे के योग बनेंगे। जातक अगर पिता के और घर के बताए रास्ते के विपरीत धारा में चलने की कोशिश करेगा तो जातक के लिए संघर्ष की स्थिति बढ़ती चली जाएगी और दुगुनी होती चली जाएगी। चूँकि स्पष्ट तौर पे यहाँ भाग्य रेखा बिल्कुल अलग कलेवर में चल रही है, ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जातक ने अपना अलग पथ बनाने की कोशिश यहाँ पर की है और जिसके कारण संघर्ष की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ चली है कि जो भी मूल रेखाएँ जो
कि इस समय सपोर्ट करती, यानी कि अगर जब तक अपने पारिवारिक हितों के साथ और पारिवारिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये सारी चीज़ें उन्हें सपोर्ट करने की स्थिति में थी, जो कि जब तक अगर अपना अलग रास्ता तैयार करता है तो कुछ सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाता है। ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये कभी काम नहीं करेगा या निष्क्रिय हो चुका है, एक काम करेगा, लेकिन जब जब तक एक मूल रूप से स्थापित होने की स्थिति में आ जाएगा या मजबूत स्थिति में आ जाएगा तब ये कार्य करना आरंभ करेगा, क्योंकि इससे आरंभ होने के लिए इस हथेली के अनुसार यहाँ पर एक खास परसेंटेज पावर की आवश्यकता चाहिए। उतने पावर होने के बाद ही ये चल पाएगा। जैसे आपके घर में मोटर होगा तो उसे एक वोल्टेज की समस्या होगी, इससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर ही वो चलेगा। उसी प्रकार से इसकी जो पावर है तभी एक्टिव होगी जब जा तक स्थापित हो जाएगा, जा तक एक खास स्थिति तक पहुँचने की कुव्वत हासिल कर लेगा। उससे पहले सपोर्ट सिस्टम जातक के लिए यहाँ पर कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा जीवन रेखा से निकली हुई कुछ अन्य रेखाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि मंगल के साथ सहयोग करती हुई रेखाएं बिल्कुल अलग थलग हो चली हैं और इस कारण जातक आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा और एक संघर्ष की स्थिति को अपने जीवन में लगातार बनाए हुए चलेगा। हालांकि भाई बंधु बहन इन लोगों से जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी फायदे के योग बनेंगे और जातक को तनाव मुक्त रहना पड़ेगा, क्योंकि जातक कभी भी सोते उठते बैठते जागते जातक मानसिक तौर पर कुछ प्रताड़ना की अवस्था में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है। जब भी रेखाएं सीधी सीधी यहाँ पे खड़ी होकर खींचने लगे और आपके शुक्र के पर्वत की स्थिति इस प्रकार से अर्धबलशाली अवस्था में यहाँ पर मौजूद हो तो, और दूसरे के एनर्जी से जी रहा हो तो। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में नीचे आप देखेंगे कि बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, जिसके अनंतर यहाँ पर कई सारी त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है, जो कि एक छोटे छोटे सफलता को दर्शाने का कार्य करती है छोटे छोटे समय तक। जैसे होता है ना कि हम कोई कारोबार कर रहे हो और कुछ समय अच्छा चले, कुछ समय बहुत बेकार चलने लगे, कुछ समय कोई परेशानी, कुछ समय कोई परेशानी, पारिवारिक समस्या आ जाए, उनमें भी हमें उलझना पड़े, तो इन चीज़ों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। तो जातक को अपने कार्य के साथ साथ पारिवारिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा जातक के लिए परिस्थितियां विपरीत गति से ही आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है बिल्कुल टर्न मार चुकी है और ऐसी टर्न अवस्था में आपकी भाग्य रेखा से निकली हुई एक शाखा इससे जाके मिल पड़ी है, यानी कि इनके जीवन में कभी भी उन्नति के जब भी योग बनेंगे, जातक को निश्चित तौर पर अपने परिवार का सहयोग और मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा और पारिवारिक जो व्यवसाय हो, बिजनेस हो, पारिवारिक जो हो, उसके साथ आगे बढ़ने में ही जातक को यहाँ पर भलाई के योग बनेंगे और जो भी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनका सहयोग कर पाएंगे। जातक यहाँ पर शांति का पक्षधर स्पष्ट तौर पर दिखता है, क्योंकि जब भी केतु के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रेखाएं आलिंगनबद्ध अवस्था में यहाँ पर मौजूद हो और एक विशेष रूपरेखा निर्मित कर पाने में सक्षम होती दिख रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक बेहतर रूप से शांति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जीवन में संतोष की भावना जातक के बनी रहती है। जातक सामान्य रूप से जीवन में एक अच्छी खासी आर्थिक परिस्थिति, पैसों की आवक चाहता है ताकि सामान्य जिंदगी चलती रहे। बहुत ज़्यादा उसके अंदर साहित्य की भावना नहीं होती, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेने की भावना नहीं होती, कैसे भी करके हम पैसे कमा लें, इन सब चीज़ों से दूर रहने वाला व्यक्ति हो, एक अच्छी खासी नौकरी या जॉब की स्थिति बन जाए, जातक बेहतर रूप से विकास करने की स्थिति में आता चला जाता है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं की परिस्थिति और भी आप देख पाने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर यव रेखा की स्थिति बनी है, शुरुआत से आप पाएंगे कि जैसे संकुचित है, यानी कि बीच में किसी ने इसे दबा दिया है और फिर ये फैली है। ये एक परिस्थिति को दर्शाती है जिसमें हम अपने ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कई दफ़े नहीं कर पाते, हम अपना अलग रास्ता निकालना चाहते हैं। जैसे एक कहावत है कि गुस्सा ज़्यादा और बल कम, ये लक्षण है मात खाने के, उसी प्रकार से यहाँ पर अंदर से जो है ना जोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र में इसका प्रवाह है, शुक्र का क्षेत्र अर्धबलशाली है, आपके गुरु का क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से मुखर होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, भाग्य रेखा पूर्ण स्पष्टता के साथ दोहरी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी व्यक्ति के अंदर जोश काफ़ी होगा, लेकिन उस जोश को हमेशा बना के रख पाने में जातक यहाँ पर सक्षम नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं थोड़े से समय में उसे अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उसे लगता है कि पता नहीं परिस्थितियाँ मेरे विपरीत चली जाएंगी, पता नहीं मैं हार जाओ, पता नहीं मेरे साथ कुछ होना चाहे, मैं चीज़ों को नहीं संभाल पाऊंगा, फेल्योर का, लूजर होने का, ऐसी चीज़ें उसके मन के अंदर चलती रहती है जो उसे दबाने का कार्य करती है। एक बार अगर आप इस दबाव से मुक्त हो गए, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में होंगी और जीवन को सही दिशा दे पाने में आप सक्षम होते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा। ऊपर के क्षेत्रों में देखो रेखाओं की जो परिस्थिति स्पष्ट बताती है कि किस प्रकार चिंता आपके ऊपर हावी हो चुकी है, आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। भूल कर भी अवसाद जैसी परिस्थितियों में
जातक को नहीं जाना चाहिए। जब भी ऐसी ममता की स्थिति और करुणा की स्थिति आती है, जातक मानसिक तौर पे थोड़े कमज़ोर किस्म के होते हैं, कुछ खास वजहों से भावुकता बहुत ज़्यादा हावी होती है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी आप भावुकताएँ बढ़ने की कोशिश करेंगे और वहीं से आप लूज करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, आप डिप्रेशन यानी कि अवसाद की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इस परिस्थिति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कमज़ोरी है ना, आपका सबसे बड़ा बल भी वही होता है। ये आपको चयन करना है और आपको सीखना है वो तरीका कि अपनी कमज़ोरी को कैसे अपने बल में परिवर्तित कर दें। जैसे आजकल होता है ना कि आपदा को अवसर में बदल दें, उसी प्रकार से आप उन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं अपने पक्ष में। लेकिन कैसे, ये आपको तय करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। भगवान ने दिमाग आपको दिया है, इसलिए नहीं कि दूसरे के दिमाग का सुन के बाहर से बाहर ही कर दो, खुद का भी प्रोडक्शन होना चाहिए ना। नहीं तो वैसे ही देश की GDP गिर रही है, आपकी GDP गिरेगी तो और कहाँ जाओगे, प्रोडक्शन निश्चित होना चाहिए। अब यहाँ की जो परिस्थिति है बाद की, वो स्पष्ट बताती है कि जातक अपने नियत रास्ते से अगर आगे की तरफ बढ़ेगा, जातक को लाभ होगा और जीवन का उत्तरार्थ और उसके बाद अंत का तो जातक का बहुत ही बेहतर रूप से बीतने का यहाँ पर कार्य करेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी रेखाएँ आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जो मैंने बताया जोश और महत्वाकांक्षा बहुत ही तीव्र है, बहुत तेज़ी से जातक को आगे की तरफ ले जाने का कार्य करेगी। यहाँ पर जो क्रॉस की स्थिति है वो शुरुआत में जातक को सहयोग देने का भी कार्य करेगी, लेकिन ऊपर से सीधी खड़ी रेखा जो आके गिराती है ना, ये जातक को बार बार कुछ उन चीज़ों से को अंधेरे में रख के आगे बढ़ाने का कार्य करेगी जो कि बाद में उन्हें उनके नुकसान का कारण बनता हो। इसलिए आपको ब्लूप्रिंट पहले तैयार कर लेना चाहिए, आपको परिस्थितियों का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट पहले तैयार कर लेना होता है, ताकि भविष्य में जब आप कुएं में एक बार उतर जाए, नदी में एक बार उतर जाए, तो फिर बैकफुट पर आपको ना आना पड़े। नदी में क्या क्या हो सकता है, सांप भी हो सकता है, क्रोकोडाइल भी हो सकता है, बड़ी मछली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा, या कांटा हो या किसी ने शीशा तोड़ के फेंक दिया हो, वो चुभ सकता है। तो पहले से पूरी प्रोटेक्शन के साथ आप अगर कहीं जाते हैं तो चीज़ें आपके हित में कार्य करेगी। आधे प्रोटेक्शन के साथ आप अगर आप जाएंगे, सोचेंगे बस क्रोकोडाइल है, तो क्या उस परिस्थिति में होंगे, शीशा चुभ जाएगा, टेटनस हो जाएगा, फलाना ठिकाना कट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक चीज़ों को आपको सोचना पड़ता है, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट को सोचना पड़ता है और उसके अनुसार तैयारी कर लेनी होती है, ताकि परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल आए फिर भी आप डटे रहें, आप हारे नहीं, आप पीछे नहीं हटे, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप चीज़ों को नेगेटिव ज़्यादा बताते, नहीं नेगेटिव नहीं बताता हूँ, आपको उतना स्ट्रांग करता हूँ ना कि कैसी भी परिस्थिति से आप लड़ सकें और जीवन को सही दिशा दे सकें। हमारे यहाँ आपकी सिर्फ विवेचना बता देना कार्य नहीं है, जीवन में रस भरना कार्य है, जीवन को सही दिशा दिखाना कार्य है, जीवन की मुश्किल में भी आपको हंसना सिखाना है। मानवता यही है, इंसानियत यही है और जीवन यही है। जीवन बहुत जालिम है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख लोग मुझे पूछते हैं ना, मैं बताता हूँ ज़िंदगी है, और सबसे बड़ा सुख भी ज़िंदगी है, ये आपके ऊपर है आप उसे किस तरफ लेके चलते चले जा रहे हो। अगर शनि के इस क्षेत्र की हम तरफ देख रहे हैं तो शनि का क्षेत्र स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि किस तरीके से उलझ गया है, ये देने को बहुत कुछ तैयार है लेकिन व्यक्ति सही रास्ते से आ नहीं रहा है। आपको सही रास्ते का चयन करना पड़ता है। यहाँ पर रेखाओं की जो टेढ़ मेढ़ है ये बताती है कि जब ये ढैया साढ़े साथी की दशा आएगी किस प्रकार से आपके जीवन का कचूमर निकालने को तैयार रहेगी, लेकिन इस परिस्थिति को अगर आप आपदा को अवसर में बदलेंगे, सीखने में इस समय को लगाएंगे, तो जो बाद का समय होगा आपके लिए कितना बेहतरीन होगा। आपने जितना खोया होगा ना उससे 500 गुना ज़्यादा आप पाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो इस स्थिति को समझना पड़ेगा। इसके अलावा अर्धविष्णु तिलक की भी स्थिति है जो कि जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए तत्पर है। इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई जगह कट्स होके चली है, ये आपके जीवन के खासकर 19वें वर्ष से लेके, इनफैक्ट कि आप अगर इस हथेली की बात करें तो ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र से कार्य करना शुरू कर देते हैं, 18-19 साल से कमाना शुरू कर देते हैं और परिवार को सहयोग करना किसी न किसी तरीके से, लेकिन उनका मन कहीं और रहता है, वो करना कुछ और चाहते हैं। और बाद की रेखा स्पष्ट तौर पर बता रही है कि किस प्रकार से व्यक्ति ने अपने तथ्यों के साथ जीना सीखा और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। शुरुआती और कामचलाउ सफलता लगातार जीवन जैसे जी जाती है मिल रही है, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। वेद व्यास जी वाली कहानी है, चारों वेद रचती है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है, जब तक पंचम वेद नहीं लिखा, श्रीमद् भागवत नहीं लिखा, उसी तरीके से आपके लिए अभी पंचम वेद लिखना बाकी है। सफलता वरण करेगी आपको, खुशियाँ वरण करेंगी सामने वाले को, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो परिस्थिति बन रही है, खासकर क्रॉस के बारे में पूछा गया, तो देखो एक क्रॉस नहीं है, जब भी एक से ज़्यादा रेखाओं के सहयोग से कोई सिंबल का निर्माण हो तो वो त्रुटिपूर्ण हो जाती है और ऐसी अवस्था में उसे खास सिंबल की संज्ञा नहीं दी जाती, तो एक क्रॉस का यहाँ पर निशान नहीं है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है। क्रॉस ऐसा थोड़े ना कि खाली क्रॉस हो गया तो आपकी ज़िंदगी एकदम बन गई, ऐसा नहीं है, उसके पास बल भी होना चाहिए,
ठीक है, आपके पास मतलब समझ लो कि गाड़ी है, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल नहीं है तो किस काम का है, हवा नहीं है टायर में तो किस काम का है। बिल्कुल उसी तरीके से तो बाकी बल भी होना यहाँ पर अनिवार्य होता है। अगर हम सूर्य के इस क्षेत्र की बात करें तो सूर्य का इस क्षेत्र बहुत ही सामान्य है। किसी भी प्रकार की अगर सरकारी धन की उपस्थिति जातक अपने जीवन में चाहता है तो कभी नहीं होगी, लेकिन अगर जातक विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों के द्वारा अथाह मेहनत के द्वारा अगर जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा तो विभिन्न प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कर पाएगा। लेकिन मेहनत इतनी जबरदस्त करनी पड़ेगी कि मेहनत भी शर्मा जाए और ये परिस्थिति जातक के जीवन में स्पष्ट बनेगी। जानते हो, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जिसके ऊपर नियति की कृपा होती है ना, उसकी बैंड बहुत बजती है। जिसके ऊपर कुछ कृपा रहेगी ना, उसका सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा कृपा होगी, उन लोगों का जीवन कष्ट भी उतना ही, कहने को इसे हम कष्ट कहते हैं लेकिन ये कष्ट नहीं होता। आप परीक्षण के चरण में हो, आप उस अवस्था को पाने के चरण में हो जहाँ पर आपकी टेस्टिंग की जा रही होती है कि ये बंदा कुछ करने वाला है। स्कूल में देखते रहे होगे, जो नहीं पढ़ने वाला है ना, टीचर उसे खड़ा भी नहीं करते कि बेटा तुम बोलो, नहीं यार तुम बैठे ही रहो, तुम वही अच्छे हो। जहाँ उम्मीद होती है ना, वहीं कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पर उम्मीद है, आपसे कोशिश करवाई जाएगी, आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुद्धि विवेक का स्तर कुछ समय तक मिल जाता है, कुछ समय तक बाहर की तरफ चला जाता है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर सुख भाव से चलेगा, पत्नी का सहयोग जीवन में बराबर बना रहेगा। कुछ कुछ समस्या आएगी तो आपकी पत्नी या जो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो जीवन में कुछ व्यथित होकर कुछ बोल भी देते हैं तो परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आपके जीवन के अंग है, आपको बेहतर देखना चाहते हैं, तो घबराएं नहीं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा छोटे मोटे समस्या आपके जीवन में लगी रह सकती है, क्योंकि बड़ी कभी नहीं होगी लेकिन छोटी मोटी लगी रह सकती है, तो उससे बचना सीखे। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर हम कार्य करते हैं, देखते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए कुछ अड़चनों को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन साथ ही बेहतरीन गुणों को भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो पत्नी माता के सहयोग से कार्यों को अगर आगे बढ़ाया जाए, आपके लिए काफ़ी बेहतरी के योगों का निर्माण करेगा। जातक अपने जीवन में अगर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे चुनावों की तरफ बढ़े, जहाँ भी आप गांव तहसील में रहते होंगे वहाँ छोटे छोटे अगर चुनाव वगैरह की सोचें तो उसमें आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल योग काफ़ी अच्छे हैं और राजनीति में जातक बेहतर कर पाने की स्थिति में है। हालांकि ये आपके लिए अप्रत्याशित होगा, क्योंकि आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा राजनीति, लेकिन आप करके देखो, आपके हक में है और आपको अथाह धन देने की भी स्थिति में है जीवन के लगभग 40-42 वसंत के बाद। ये आपके जीवन को तरक्की की स्थिति की तरफ स्पष्ट तौर पे मोड़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन पत्नी का सहयोग इसमें स्पष्ट तौर पे है और उनके सहयोग से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन के खासकर अगर क्षण की बात करें तो 18वें 22वें में आप कई प्रकार के चीज़ों से बचे हैं, जिसमें जान जाते जाते बचे हैं। मंगल का सहयोग वहाँ पर रहा है, आगे भी उसकी परिस्थिति आपके लिए बनी रहेगी। अगर अपने घर के आसपास आप चीज़ों को फैलाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, दूर जाके अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपका सफलता वरण नहीं करेंगे, तो इससे को बचना चाहिए। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखें तो काफ़ी विपरीत राजयोग, धनलक्ष्मी योग की भी स्थिति सतेली में स्पष्ट तौर पर बनने का कार्य कर रही है। बिजनेस के प्रति स्पष्ट नजरिया बेहतर से आगे की तरफ लेता चला जाएगा। प्रभु भक्ति हमेशा करते रहें, जिस भी शक्ति के प्रति आस्था हो ना उसे छोड़े मत, किसी भी परिस्थिति में मत छोड़े। जब भी लगे ना कि चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो उन पर दोष मत दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में कमी है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास आपके अंदर पैदा होगा ना, देखना चीज़ें कैसी बदलती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आने का कार्य करेगी और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में होंगी जब आप अपने परिवार के मूल्यों के साथ, पारिवारिक चीज़ों के साथ, पिता के बताए रास्तों पे, पत्नी और माता के सहयोग से, सुझाव से अगर आगे की तरफ रास्ता व्यक्ति तय करता है तो। बहुत सारे ब्रेकडाउन, बहुत सारे कुछ रिलेशनशिप्स शुरुआत में टूटे हैं, लेकिन जो आगे की परिस्थितियाँ हैं वो जातक के पक्ष में यहाँ पर रहने का कार्य करेगी। इससे संबंधित कुछ रेमेडीज और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने में सक्षम होगी, उनके बारे में आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ हम बताएंगे थ्रू व्हाट्सएप। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।